टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा रोड में रवि बिल्डर्स द्वारा ग्राहकों को लुभावने सपने दिखाकर ठगी। मुंबई में आशियाना बनाना कोई खाने का काम नहीं है। लोग अपनी पूरी मेहनत की जमा पूंजी लगाकर आशियाना खरीदते हैं ताकि उन्हें और उनके परिजनों को सर छिपाने के लिए खुद की एक छत मिल जाए। वहीं कुछ बिल्डर थोड़े से लालच में पहले तो घर खरीदने आए ग्राहकों को लुभावने सपने दिखाते हैं और फिर उनसे लाखों वसूलने के बाद अपनी जालसाजी में फंसा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ थाने जिले के मीरा रोड में, जहां मीरा रोड के हाटकेस परिसर में रवि डेवलपर्स द्वारा बनाई गई गौरव वैली फेज टू में गौरव एस्टर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नागरिक पिछले 7 साल से पानी और ड्रेनेज लाइन सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपका जो बनाए हैं, क्या नाम है, क्या है मामला, जरा उसके बारे में बताइए। ये गौरव अस्टर गौरव वैली फेज टू हाउसिंग सोसाइटी है और ये प्रॉपर्टी रवि ग्रुप की प्रॉपर्टी है। 2013 में ये प्रॉपर्टी एज अ रेडी बोल के पोजीशन हमें बिल्डर के द्वारा दिया गया था और तभी हमें पोजीशन देते समय ये बोला गया कि सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है एज़ पर उनके कमिटमेंट और एग्रीमेंट के हिसाब से। जो एग्रीमेंट हमने उनके साथ बिल्डर के साथ किया हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो एग्रीमेंट में जो भी कमिटमेंट बिल्डर ने किया है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड बिल्डर के द्वारा नहीं किया गया है। 2013 से लेके ये 2020 में हम आ गए हैं, अभी तक उस पर कोई बिल्डर के तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। मेन हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी के पास एक्सेस नहीं है। ये टोटल 193 लोगों की फ्लैट की बिल्डिंग है जो कि 10 माले तक इसका सीसी आया हुआ है और 10 माले के ऊपर के जो 6 माला और बी विंग में 7 माले और सी विंग में 6 माले जो बनाए गए हैं उन मालों की अभी सीसी नहीं आई है और बिल्डर ने उन मालों को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया है। रवि डेवलपर्स की गलतियों के कारण सोसाइटी को अब तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कोई सुविधाएं भी नहीं मिल रही। इसकी शिकायत रेरा में देखी है, वहां से क्या देखा? रेरा में ये केस चल रहा है। रेरा के तरफ से इंटीम ऑर्डर के लिए एक्सेस रोड, वाटर कनेक्शंस, सीवेज लाइन कनेक्शंस और बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने के लिए रेरा ने इनको ऑर्डर दिया था, जिसमें से बिल्डर ने हमें 2 चीज़ें अभी फिलहाल प्रोवाइड कराई है। एक सोसाइटी फॉर्म करके हमें मिला है और दूसरा बाउंड्री वॉल अभी हाल फिलहाल में जाके कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी एक्सेस रोड हमारी ये प्रॉपर्टी लॉकिंग लैंड की तरह हो गई है। एक्सेस रोड हमारी अभी भी सोसाइटी को बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया गया है और ना ही प्रोविजनल कहीं बताया जा रहा है कि कहां से मिलेगा। और सीवेज लाइन भी हमारी अभी तक नहीं निकल पाई है जिससे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बीएमसी द्वारा आप लोगों को नोटिस जारी की जा रही है, उसके बारे में क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नोटिस प्रोवाइड कराई गई है। उसमें यह कहा गया है कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके वाटर कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जो कि हमारी बिल्डिंग में वाटर कनेक्शन तो अभी तक है ही नहीं, तो डिपार्टमेंट कौन सी वाटर कनेक्शन काटने की बात कर रही है? एक्सेस रोड नहीं है, सीवेज लाइन नहीं है, ड्रेनेज नहीं है और वो प्रॉपर्टी टैक्स में बिल में ये सारी चीज़ों का टैक्स हमें डिपार्टमेंट की तरफ से लगा के विथ इंटरेस्ट दी गई है और हमें वार्निंग पे वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर आपने जल्द से जल्द अगर ये टैक्स को नहीं भरा तो आपकी ये सारी फैसिलिटीज़ काट दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि यह रवि बिल्डर शहर का जाना माना बिल्डर है, इसके बावजूद भी इसके ठगी के कई शिकार हुए हैं। वहीं सोसाइटी में रहने वालों ने आरोप लगाया है कि यह बिल्डर जालसाज है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। क्या है वो मुद्दा? प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में सोसाइटी को नोटिस मिली है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के भी बिल टैक्स बिल आए हुए हैं जो कि प्रॉपर्टी इस बिल्डिंग में है ही नहीं। जैसे कि उन्होंने तीनों विंग में हॉल दिखाया है, हॉल है ही नहीं हमारे में, शॉप दिखाए हुए हैं जो शॉप्स हैं ही नहीं हमारे में, वो टोटल आउटस्टैंडिंग कौन पे करेगा? सोसाइटी पे करेगी या जो उसके जो ओनर है वो ओनर यहाँ पे है ही नहीं हमारे सोसाइटी के रिकॉर्ड में, वो ओनर है ही नहीं उस प्रॉपर्टी के, ना ही वो प्रॉपर्टी हमारी बिल्डिंग में है, तो भी टैक्स भेजा गया है। वेरिफिकेशन किए बगैर कहाँ जाते भेजा गया है? जी, वेरिफिकेशन किए बगैर भेजा गया है। वाटर कनेक्शन नहीं है, वो कहते हैं काट देंगे तो वो भी वेरीफाई नहीं हुआ। वाटर जाता कहाँ है? अगर वाटर कनेक्शन उनके लिहाज से है इस बिल्डिंग में तो फिर वो बिल्डिंग का पानी कहाँ, हमारी बिल्डिंग का पानी कहाँ जा रहा है? हमको तो कुछ तो नहीं मिल रहा है
और जो यहाँ पर हॉल वगैरह इन्होंने लिखा है, जो टैक्स जिसके लिए हम भेजा है, वो टैक्स कौन भरेगा जो है ही नहीं बिल्डिंग में, वो कौन भरेगा? इससे रिलेटेड हम लोगों ने MBMC को कम्प्लेन भेजा था और उस कम्प्लेन का अभी तक एक साल हो गया, अभी तक MBMC डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और हमने कम्प्लेन कहीं पर भी नहीं छोड़ी, हर जगह दिया, कलेक्टर ऑफिस तक हम चले गए, हर जगह हमारी कम्प्लेन है, रिटन कम्प्लेन है, कोई वर्बली नहीं है, रिटन है, मेल्स है, कम्प्लेन्स, एवरीथिंग इज देयर, बट कहीं से हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ट्विटर के थ्रू हमने स्टेट गवर्नमेंट में CM को भी हम लोगों ने इस चीज़ को, अपनी प्रॉपर्टी को नोटिफाई करवाया था, वहाँ से हमें जवाब मिला था कि आपकी समस्या जल्द से जल्द सॉल्व कर दी जाएगी। इस बात को भी 2 साल हो गया, अभी तक उस पर CM की तरफ से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो हमने कोई भी अथॉरिटी जो इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, शासन में है, उनके तक हम, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पहुँचाया है, हमने सब तक पहुँचाई है, लेकिन अब हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनको सबको बुला के हमने अपनी डिटेल्स दिए, बताया भी है, बट कहीं से हमको कोई सपोर्ट नहीं है। वी आई एम फीलिंग लाइक हमारे वजह शायद लोग बिल्डर को ही सपोर्ट कर रहे कि क्या कर रहे, हमारी तरफ से तो लाइक हमको कोई सपोर्टर नहीं यहाँ पर, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना लोकल कहीं पर भी सपोर्ट नहीं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। वहीं गौरव स्टिक सोसाइटी के लोगों ने जगह जगह बैनर भी लगाया है कि बिल्डर चोर है, सावधान रहें। उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है, पर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। इस बिल्डर की वजह से लोगों का भविष्य अब अधर पर लटका हुआ है। मीरा भाईंदर से क्राइम रिपोर्टर्स TV News की एक रिपोर्ट।